जब 10 साल था तो तभी से मैं उसको पहचानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसके एकदम करीब रहा हूँ और उसके जिंदगी का एक हिस्सा हूँ मैं। बचपन से लेके हम लोग इतने जवान हुए, साथ में खेले, इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम लोग ने बिताए हैं। जो फेयरवेल स्पीच दे रहे थे तो मैं टीवी के सामने ही बैठा था और जिस तरह से उन्होंने धन्यवाद दिया सबका, लेकिन एक बंदे को मुझे लगता है कि वो भूल गया जो कि मैं था। 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बचपन के साथी विनोद कांबली, जिन्हें सचिन के कोच रमाकांत आचरेकर ने ही ट्रेन किया था, दोनों का सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ भी, लेकिन सचिन जिन ऊंचाइयों तक पहुंचे कांबली वहां तक नहीं पहुंच सके और कहीं खो गए। सचिन के साथ वो ऐतिहासिक पारी, मुंबई में स्कूल लेवल पर एक टूर्नामेंट खेलते हुए सचिन और कांबली ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। दोनों ने मिलकर 664 रन की नाबाद पारी खेली थी जो आज भी एक मिल का पत्थर ही है। इस पारी में कांबली ने 349 रन बनाए थे तो वही इस मैच की पहली पारी में उन्होंने विरोधी गेंदबाजों के 6 विकेट भी झटके थे। फिटनेस पर ध्यान नहीं, कांबली ने टीम इंडिया में धमाकेदार एंट्री मारी थी। अपने तीसरे ही टेस्ट में उन्होंने दोहरा शतक जड़ दिया था। Tremendous achievement. His first test 100 and he really has rammed it home. टेस्ट मैच में 1000 रन बहुत जल्दी ही पूरे करने वाले वो भारत के इकलौते बल्लेबाज है। महज 14 इनिंग्स में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया था। कांबली ने अपनी फिटनेस पर ध्यान देना छोड़ दिया और बदलते दौड़ के क्रिकेट में कांबली की फिटनेस गिरती गई, जिसकी वजह से उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। अपनी फॉर्म गिरने के बावजूद कांबली ने रणजी मुकाबले खेलना छोड़ दिया। वो किसी भी तरह के घरेलू क्रिकेट में भाग नहीं लेते थे, जिससे वो अपनी फॉर्म खोते ही चले गए। Unimpressive display from Kambli, very experienced. They needed him to fire up, didn't do enough. Now there's pressure on the latter order. शराब और ड्रिंक्स की लत। कांबली के सामने उनका शानदार करियर था, लेकिन कांबली को जल्द ही शराब और ड्रिंक्स की बुरी लत ने जकड़ लिया। सचिन और द्रविड़ जैसे उनके साथी अपने खेल पर ध्यान देते रहे, जबकि कांबली बुरी आदतों का शिकार हो चुके थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जल्द ही उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और कांबली के करियर पर ब्रेक लग गया। विवादों में घिरे रहना। कांबली अपने करियर के दौरान कई विवादों में फंसे रहे, जिनका खामियाजा उन्हें अपने करियर को गवा कर करना पड़ा। मैदान में कई बार अपनी फील्डिंग पोजीशन से वो खुश नहीं होते थे तो वो मैदान पर ही गुस्सा जाहिर करते थे, तो वही मैदान के बाहर उन्होंने कप्तान और सिलेक्टरों से भी विवादों में उलझते रहते थे। यहाँ तक कि कांबली ने अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर के लिए भी ये कहा कि सचिन ने उनकी कभी मदद नहीं की, उनके गिरते करियर को संभालने में सचिन ने उनका कभी साथ नहीं दिया। अजहर पर लगाए मैच फिक्सिंग के आरोप। टीम से बाहर होने के बाद कांबली ने एक न्यूज चैनल पर जाकर खुलासा किया कि साल 1996 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल उस वक्त के कप्तान अजहरुद्दीन ने फिक्स किया था। यही नहीं, कांबली ने उस वक्त के टीम मैनेजमेंट के अधिकारियों तक को इसमें घसीट डाला। 96 का मैच मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता हूं क्योंकि ये मैच के बाद मेरा करियर खत्म किया गया। लेकिन कांबली इस बात के कोई भी सबूत कभी नहीं दिखा सके, जिसने उनके क्रिकेट में वापसी पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने का काम कर दिया था। तो ये थे कांबली के वो कुछ कारनामे जिसकी वजह से वो क्रिकेट जगत में फेल साबित हुए और उनके सुनहरे करियर पर अंत लग गया, या कहे खुद कांबली ने उसे खत्म कर दिया।